खबर के न्यूज रूम से इंट्रोडक्शन देता हूं नाम है हेमंत राजन जी बहुजन समाज से आते हैं और चिंता रखते हैं समाज की धाक्ड़ खबर के ऑफिस पहुंचे हैं कई दिन पहले बैठ के हम लोगों की घंटों बातचीत हुई बुजुर्ग हैं रिटायर हो चुके हैं और अब ये काम करना चाहते हैं समाज के लिए तो इनका एक मकसद एक मंशा एक विचार जो था वो ये था कि धक्कड़ खबर के साथ जुड़ के मैं ऐस ए पत्रकार की तरह काम करना चाहता हूं हम लोग भी चाह रहे थे कि बहुजन समाज से कोई शख्स कोई व्यक्ति ऐसा जो वाकई में गंभीर हो हमारे साथ जुड़े लड़के लारे बहुत मिल रहे थे देसी जबान है बागपत बढ़ोत की इसीलिए लड़के लारे बोल रहा हूँ समझ सकते हैं लड़के लारे बहुत मिल रहे थे लेकिन वो सिर्फ शौक के लिए पत्रकारिता करना चाहते हैं माइक लेके घूम रहे हैं पत्रकारिता की ए बी सी डी पता नहीं है समाज के मुद्दों का पता नहीं है सिर्फ चमकना चाहते हैं चमकने दिखने की एक होड़ मछी बढ़ी है ना लोगों में आजकल दो सौ रुपये लीजिए चैनल बनाइए अपना काम शुरू कर दीजिए इंटरनेट ही तो रिचार्ज करना पड़ता है इससे कुछ लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये धाकड़ खबर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक तो ये धाकड़ खबर की टीम में रहेंगे आज से और जो भी बहुजन समाज से दलित समाज से जुड़े हुए मुद्दे होंगे इश्यूज होंगे उन पर ये अपनी पैनी रिपोर्टिंग जो भी है जिंदगी भर का तजर्बा उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे फिलहाल आज जिस मुद्दे पे मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ वो है मायावती को लेकर मायावती ने चुनाव लड़ा अखिलेश यादव के साथ मिलकर लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे आए उसके बाद देखने को मिला कि ना मायावती हमेशा की तरह जिस तरीके से वो जानी जाती हैं कि वो कभी किसी की सगी नहीं रही हैं उन्होंने वो ही करके दिखा दिया झटाक से गठबंधन तोड़ दिया पहले सवाल खिड़े किए फिर गठबंधन तोड़ दिया और एक कदम आगे बढ़ के अपने भाई और भतीजे को पार्टी की कमान सौंप दी क्या कहता है मायावती का यह कदम उठाना और 11 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए मायावती ने जो पूरी रणनीति तैयार की है पहली बार वो उपचुनाव लड़ने जा रही हैं आज तक इतिहास में कभी उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ा सत्ता में रहते हुए जब वो सत्ता में थी तब भी वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी लेकिन अब लड़ने जा रही है तो क्या कहती है उनकी रणनीति इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे हेमंत राजन जी से पहला मेरा सवाल मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया कोई नुकसान तो हुआ नहीं था मायावती को मायावती जो 2014 में जीरो पे चली गई थी अखिलेश यादव की बदौलत वो 10 सीटों तक पहुंची हैं और मैं अखिलेश यादव को इसका क्रेडिट दूंगा बेबाक पत्रकार की तरह मुझे बोलते हुए कोई डर नहीं है अगर अखिलेश यादव साथ ना होते तो शायद इनकी एक सीट भी ना आती और अगर ये कहती हैं कि हमारी वजह से सीट आई तो और प्रदेशों में क्यों नहीं ले आई और प्रदेशों में भी तो चुनाव लड़ाना जाके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बहुत सारे प्रदेश राजस्थान में चुनाव लड़ा दिल्ली में चुनाव लड़ा तो और प्रदेशों में भी ले आती वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ा और प्रदेशों में स्थिति है रही तो इन्होंने अखिलेश के साथ जो एकदम रिजल्ट आने के बाद चुनाव नतीजे आने के बाद जो इन्होंने अपना गठबंधन खत्म किया इसे आप कैसे देखते हैं अब ये तो वही बता सकती हैं लेकिन एक छोटे से पत्रकार और सामाजिक चिंतन के चिंतक के रूप में मैं तो यही कह सकता हूं कि समाज इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है क्योंकि समाज में हमारी स्वाभाविक तैयारी दलितों मुस्लिमों अल्पसंख्यकों के साथ एक मोर्चा बनाने की रही अतीत में चाहे जो हुआ हो लेकिन इस टाइम समाज एकदम में चौड़ है और वो पिछड़े जातों के साथ मिलकर काम करना चाहता है और समाज में इसका बहुत अच्छा संदेश नहीं गया है और मुझे लगता है कि समाज इंटैक्ट रहेगा जुड़ा रहेगा और दलित समाज मुस्लिम समाज और पिछड़ा, पिछड़ा समाज ये चाहता है कि ये स, चाहे बहन जी का समर्थन हटा है उन्होंने अपना समझौता ख़त्म कर दिया है लेकिन समाज एकदम जुड़ा रहेगा और अब माकूल जवाब किसी भी आने वाले चुनाव में दे इसका जरूर देगा रही बात ग्यारह उपचुनाव में इकट्ठा होने की तो अखिलेश भैया कह ही चुके हैं कि हम भी अकेले

नहीं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नुकसान इसका उठाना पड़ेगा जो मेरा अनुभव है क्योंकि समाज ये चाहता है कि समझौता बना रहना चाहिए था अब नुकसान चाहे कुछ हुआ और कुल मिला के बी पार्टी और बहन जी मायावती को इसका लाभ ही हुआ है जीरो से दस पे वो पहुंची है उल्टा दूसरी तरफ नुकसान हुआ कि वो पांच के पांच ही रहे वो तो कुछ लाभ ही नहीं परिवार के तीन खत्म हो गए परिवार के तीन आदमी परिवार के तीन आदमी जो हैं वो जीत नहीं पाए निश्चित रूप से वो नहीं जीत पाए जबकि शायद वो अलग लड़ते तब शायद और दो चार सीटें उनकी कम से कम दो चार सीटों तो एक्स्ट्रा तो तो आती और पर परिवार के कम से कम तीन जने तीन विशाल स्तंभ जिनमें डिम्पल यादव अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव जी जी ये हार गए हार गए और कम से कम इनमें दो सीटें अवश्य साफ लगता है ग्यारह सीटों का बाईपोल हो रहा है जो-जो विधायक अपनी सीटें छोड़ के लोकसभा चुनाव लड़े हैं ग्यारह सीटों पर उपचुनाव होना है जल्दी हो जाएगा क्या पहली बार ये जो चुनाव लड़ रही हैं, इन्हें लग रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा विधानसभा का उससे पहले का ये इस सेमीफाइनल इसलिए आजमाना चाहती है मायावती अपने आपको अब वो कह तो यही रही हैं 2000 अकरम भाई आप करें 2022 हैं हजार बाईस एम का चुनाव हमें तो उनकी एक बात से लगता है कि 2024 की भी तैयारी मान के चल रही है अच्छा दरअसल ये किसी भी राजनेता का एक तरीका होता है अपने कार्यकर्ता को बांधने का लेकिन हकीकत क्या है जमीन पे आके तो आप ब्रेक कर देती है सिस्टम को जो बहुजन का सिस्टम बनता है आपने ब्रेक कर दिया तो दो हजार चौबीस तक कौन रुकेगा लोग तो तैयारी करेंगे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अपनी बनाएंगे हम लोगों में झिझक आ गई है इवन अल्प समुदाय में झिझक आ गई है कि ये साथ जो देने की हम बन रहे थे समाज में जो ड्राव दिख रहा था वो कैसे बने तो उसमें वो अखिलेश भैया के भी साथ जा सकते हैं और साथ ही कुछ तैयारी सेकंड लाइनर वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप भी कुछ एम वगैरह के चुनाव में कुछ ना कुछ एक दो चार सीटों पर दस सीटों पर वो जरूर खड़ा करेंगे और इस बात को का वो गुरेज नहीं करेंगे कि हम बीएसपी के सामने कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहे हैं एक सामाजिक सवाल आपसे करना चाहता हूं एससी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज एक चिंता के रूप में चिंतित था पिछले पाँच साल से जो देश के हालात हैं वो कुछ करना चाहता है क्या मायावती को मायावती ने उस पूरे चिंतन को ठेस पहुंचाई निश्चित रूप से निश्चित रूप से ये ठेस लगी है और उनके तरफ से लगी है लेकिन समाज इतना कमजोर बुद्धि का या कर्पण नहीं है कि वो कुछ और ना कर सके उसके पास बहुत लीडर हैं वो हो सकता है जनता में उतने मकबूल ना ना उसके पास लीडर है और लीडर है। खड़े हो जाएंगे और ये लीडर 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 खड़े हो सेकंड सेकंड लाइन लाइन ऑफ ऑफ डिफेंस डिफेंस जरूर जरूर खड़ी खड़ी होगी जाएगी अल्पसंख समुदाय में पिछड़े समुदायों में उस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता जो चौबीसों घंटे समाज में रहते हैं वो तैयार है तैयारी में सामने आने की बात थोड़ा सा और समझ आए राजनीतिक सवाल है आपसे थोड़ा पूरा नेगेटिव इस तरीके का बनाया अखिलेश

कभी अभी मेरा अनुभव भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं है अभी मैं उस तरह की केंद्र की राजनीति करना भी नहीं चाहता हूं और ये बुआ जी के रूप में जो बहन कुमारी मायावती हैं ये केंद्र में रहेंगी उनके उम्र का भी वो तकाजा आ चुका है और वो उस राजनीति को वो उस प्लेटफॉर्म पे बढ़िया खेलेंगी लेकिन हुआ एकदम उल्टा ही कि वो जो नीचे की भी जमीन खिसक गई और ऊपर की भी खिसक गई अब पता लगा फिर राज्य में वही दो वो एक दूसरे को काटने के राजनीति शुरू हो जाए क्या इसके पीछे ये भी देखा जा सकता है कि मायावती को डर लगता है सीबीआई का बहुत सटीक सवाल है सीधा अकेले सीबीआई का ही नहीं बाकी जांच एजेंसियां विपक्ष के सब के तरफ वो लगाई देते हैं तो सीबीआई कहीं नहीं बाकी सब एजेंसियों का भी डर निश्चित रूप से है अक्रम भाई ये तो पूंजीवादी राजनेताओं के साथ दिक्कत है क्योंकि तो पूंजीवादी राजने... राजनेता है हाँ हाँ पूंजी पैसे पूंजी से ही उनका चुनाव लड़ा जा रहा है देखिए काफी महत्वपूर्ण चीज है अच्छा कुछ लोगों को आप क्या कहेंगे जो मायावती के भी भक्त बने फिरते हैं मैं कहता हूं हमेशा कि विचारधारा के भक्त बनिए मिशन के भक्त बनिए किसी नेता के भक्त क्यों बनते हैं एकदम सही सामाजिक गलत सा, तो नहीं कह रहा हूँ सामाजिक प्रयास है ये हाँ, विचारधारा के भक्त हम मिशन हाँ, के भक्त हैं हाँ। हम भक्त बाबा साहब के हैं काशीराम जी के हैं और हाँ। और दूसरे लीडर्स के हैं अपने हैं उसके उसके विचारधारा के हैं समाज क्या चाहता है ये देखना हम किसी आदमी के पीछे नहीं है नेता तो नेता तो उस विचारधारा से ही बनेगा जेल जाने से क्यों डरती है मायावती जेल जाके तो नेता बन बन जाता इसका है, सीधा बन जाता है है आदमी हीरो जवाब वही दे सकती हैं लेकिन जेल जाने से राजनेता को कभी नहीं डरना चाहिए अगर जेल जाते तो आज ये लोग इतने बड़े नेता बन जाते अगर इमरजेंसी में जेल ना जाते कोई दो महीने गया कोई चार महीने कोई छह महीने बहुत से बहुत कोई अट्ठारह महीने बारह महीने गया और आज वो कितने बड़े सिकंदर बने बैठे हैं नहीं तो इंदिरा गांधी के सामने ये कुछ लीडर बन पाते क्या तो नेता की यह कमजोरी अगर वो जेल जाने से डरता हम इसकी ताइ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि बहन जी अगर जेल जाने से डरती है तो बहन जी को समाज में डिटोरिएशन ही लगेगा वो नीचे ही गिरेंगी अगर समाज में ये मैसेज चला जाएगा और ये सारी पूंजी काशीराम जी की और बाबा साहब की खत्म हो जाएगी खत्म हो जाएगी कांजी नहीं वो पूंजी कभी खत्म नहीं होती है नेता खत्म हो जाते हैं विचारधारा कभी बिल्कुल विचारधारा व्यक्तिगत पूंजी जो बनाई है जो जो काशीराम जी ने इनको पूंजी दिक्कत हर पार्टी में यही है बीजेपी छोटी

अब लगता तो ऐसा ही है जब बचाने के लिए नहीं उसको बाकायदा पोस्ट दी गई है और भाई को ही नहीं भतीजे को भी दिया गया है जबकि अब उसके ककहरा वाली बात है और उसको एकदम उतने ऊंचे स्टेज पे लाना इसका निश्चित रूप से समाज में गलत संदेश जाएगा बसपा के उस संविधान का क्या हुआ जिसमें कहा कि बड़े नेता का परिवार कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं आएगा नहीं लाया जाएगा राजनीति में संविधान बदल दिया मायावती ने दिखता तो यही है ये यह तो साफ साफ दिख रहा है और इसका जवाब वही देंगे आज नहीं देंगी तो समाज में क्या है हलचल समाज में क्या है हलचल क्योंकि लगता है जैसे मायावती सिर्फ दलित समाज की नहीं सिर्फ जाटव समाज की नेता बन के रह गई हैं और सिर्फ जाटव तो उनको वोट देता है पूरा दलित समाज उनको वोट नहीं देता है क्या समाज की स्थिति निकल इस, इसका परिणाम इसकी परिणति सबसे ज्यादा दुखद इसी बात में हुई है कि जो बहुजन की एकता थी वो टूटी और तो और इसमें जो दलित जन की एकता थी जिसको काशीराम जी ने अपने खून पसीने से बनाया था वो टूटा वो टूटी है इससे जाटव से इतर सारे जो उपसमाज थे वो सब हट गए नजरअंदाज किया गया जो जो मानवर काशी जी ने जो ज, जो तरीका बनाया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जिसकी जितनी संख्या भारी नुु. अब तो ऐसा लगा जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी यानी और तैयारी में धन धन पैसा जो लगाएगा ज्यादा उसी की उतनी वो दलित समाज का ब्राह्मण बन गया वो सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं मैं क्योंकि मायावती ने नहीं बना है को आगे बढ़ाया हर जगह मायावती ने हाँ उसने कुछ लोगों तो को तो दिया राजनीतिक समाज पर पे वो भी ब्राह्मण थे क्या दलित समाज के आ, नहीं या उनको ब्राह्मण समझा गया आ, कि भाई हम सबसे ऊपर हैं नहीं वे ऐसी बात बिल्कुल नहीं पैरल हैं और जाटा समाज तो ऐसा खुददार समाज है कि जो मोर्चे पर रहता है अच्छा। इसलिए और उसके कुल मिलाकर संख्या ज्यादा है दलित समाज के बाकी उप समाजों में प्रकारांतर से देखें इन्हें ब्रॉडर वे तो समाज तो हम सबका भारतीय समाज है ये सब हमारे उप समाज है तो जाटों से उप उपसमा, इतर उपसमाज जो अनुसूचित जातियों में है अपने ही जाति के अपने राजनीतिक रूप से कुछ चेहरा दिखाने के लिए राजनीति लोगों को मायावती ने बढ़ाया इसलिए सभा होता है जाटों में उसने कुछ वो नहीं इसके दोनों ही कारण है एक तो वो चेहरा दिखाएगी अगर नहीं बढ़ाएगी तो वो जाटो भी सह जाएंगे दूसरे वो ये भी दिखाती है उनको दूसरे उसको इसलिए भी ज्यादा बनाने पड़ते हैं कि वो लगे उसके साथ ज्यादा होते हैं अच्छा। और वे लगे जाते हैं तो उन्हीं में से जो आदमी साथ तो हुआ ना ना जी तो। हाँ ये इस संदेश को भी जी नहीं समझ पा रही हैं कि ये बिरादरीवाद माना जाएगा ये जाटवाद मान जाएगा और इसका दंड और भुगतना पड़ सकता है यही नतीजा हुआ कि बाकी जो इतर समाज थे जिससे आगे बढ़ते हैं

क्या है इनको जी एक्चुअली मायावती जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उन्हें समाज ने बनाने का प्रयास जरूर किया हुँ. लेकिन उनकी दृष्टि अखिल भारतीय या एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को जो अखिल विश्व की दृष्टि होनी चाहिए थी हुँ. शायद वो वहां तक नहीं पहुँच पाई पहुंच पाती हैं अभी का अलांतर का किसी को कुछ नहीं पता इसी कारण जिग्नेश की तरफ तो उनका कभी ध्यान गया ही नहीं जबकि वो एक प्रगतिशील लड़का है रोशन ख्याल लड़का है और समाज की भलाई चाहता है और जिग्नेश बाकायदा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है और राजनीतिक और सामाजिक मामलों में भी वो दखल चाहता है दलित समाज के चंद्रशेखर और हाँ चंद्रशेखर के मामले में जरूर बहन जी का ध्यान गया सोई वो भी गया। तो बनाया आजेट, आजेट, का आजेट आजेट बता मौका देंगे तो उस उल्टे उसका भी नकारात्मक नैरेटिव बनाया गया कि ये भाजपा के हाथ में खेल रहा है क्या ये डर है लगता है ये नई युवा पीढ़ी जो है उनकी जमीन खा जाएगी डर लगता है इनको हाँ ये और ये डर लगता है और ये डर खामे खा का है ऐसे तो समाज में कोई नया नेतृत्व तो पैदा होगा ही नहीं कोई युवा पैदा होगा ही नहीं वो कुछ बोलेगा ही नहीं वो बार बार कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प हूँ बहन जी को और जो वो चाहती है मेरे से समर्थन वो सब देने को तैयार हूँ और तो और उन्होंने जो मोदी की जी के अगेंस्ट वो चुनाव लड़ रहा था उस जैसे ही उसको कहा गया कि इससे समाज का नुकसान होगा बहन जी के द्वारा उसने तुरंत विड्रॉ कर लिया लेकिन उसकी ही लोग क्योंकि मैं उनके आंदोलनों में गया हूं वहां पे पता मायावती को क्या बोलते हैं निश्चित रूप से ये कमीशन वाले पकार नहीं कहते हैं ये कमीशन वाले नहीं मायावती को कहते हैं भीम आर्मी के लोग के कमीशन वाले लोग नहीं है ये मिशन वाले लोग सॉरी ये मिशन वाले लोग नहीं है कमीशन वाले लोग यानी कि पैसे के जैसे दूसरे लोग कहते हैं दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी है नहीं वो तो खुला भीम आर्मी वाले हा भीम आर्मी वालों को जब भी कोई आंदोलन चलता है ये बात काशीराम साहब जब आए थे बाबा साहब का जमाना तो हमने देखा नहीं लेकिन मान्यवर काशीराम जी का जमाना हमने देखा था इस तरह की आलोचनाएं उनकी भी होती हैं जब कोई नया आदमी उभरता है नया तारा उभरता है समाज में तो यही आलोचना चंद्रशेखर की भी हो रही है अब ये तो भविष्य के घर में वो क्या करते हैं चंद्रशेखर की आलोचना नहीं कह सकते चंद्रशेखर नहीं नहीं पहले सवाल को आप मेरा सवाल समझिए ना भीम आर्मी वाले मायावती को कहते हैं कि ये मिशन वाली नहीं है कमीशन वाली है उसके बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं समायवती के बारे में युवा खून है अच्छा सीधे बोलते हैं सीधा बोलता है सीधा बोल देते हैं लेकिन अकरम भाई मुझे लगता है इतना ज्यादा तो नहीं बोलते थोड़ा पर्दे से अरे साहब पर्दे, पर्दे पे कहा बोलते हैं मैंने बाकायदा रिपोर्ट की है वहाँ जाके खूब बोलते हैं कहते हैं मायावती ने क्या नाम है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया दलित समाज को नहीं जो हमारा आकलन है समाज में छोटा मोटा काम करने का और पत्रकारिता का तो इन युवाओं को अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए थोड़ा इंतजार करना वक्त का तक तो वक्त में आपके सामने तो आप है। तो सकते, सकते हैं बना नहीं अभी टाइम देना चाहिए चलिए चार बार की वो सीएम रह चुकी हैं टाइम देना चाहिए अब आगे बढ़ता हूँ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि वक्त की कमी होती है हम चाहते हैं दस से पंद्रह मिनट में सारी बातचीत धाकड़ खबर को आपने क्यों चुना क्यों आप धाकड़ खबर के साथ काम करना चाहते हैं वो थोड़ा सा संक्षेप में बताइए अगर आप कहेंगे ये तो अलग तरह का सवाल पूछ लिया आप कहेंगे कि मैं किसी लल्लो चप्पू के कारण या किसी दूसरे साथ के कारण या अक्रम भाई को पता नहीं क्या समझने के कारण मैंने चुना है तो ऐसा मुझे नहीं लगता लेकिन हाँ मैं ये जरूर चाहता हूँ कि धाकड़ खबर के जो स्नैप्स या वीडियोस में देखता हूं, उनमें एक विचित्र तरह का नयापन है और संजीदगी है और चुटीलापन और कटीलापन है सीधे सवाल करते हैं बहुत अच्छा सवाल करते हैं और वो अकलियत समुदायों को दलित दर्जा फहरिस्तों को कबीलों को और दूसरे पसमानदा तबकों को वो जो चोट करते हैं उनके समाज को तो आप उसी उनके सवालों को पकड़ते हैं तो उसी धाकड़ अंदाज में मैं भी इस उम्र में उम्र के इस पड़ाव में कुछ छोटा सा तुच्छ सहयोग अपने छोटे मोटे अनुभव से आप भाई को सकते मेरे साथ इसलिए मैंने दाखिल खबर को चुना बहुत शुक्रिया चलिए तो आपका सिलसिला लगातार जारी रहेगा बने रहेंगे धक्ड़ खबर के साथ फिलहाल के लिए अभी हमें दें इजाज़त जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सिलकते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त